मित्रों पुराणों के अनुसार सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और सभी देवता दैवीय और शक्तिशाली हैं, जिनके बिना जीवन असंभव हो जाता है। लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन है जो इन सभी देवताओं के भी अधिपति है? आज हम आपको ऐसे 10 देवताओं के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर कोई भी नहीं और वही सभी जीवों के सृजनकर्ता भी है। हम सभी के बीच भगवान के बारे में मतभेद हो सकते हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है और इन्हें समकालीन हिंदू धर्म में 3 सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में से एक माना गया है। भगवान शिव त्रिमूर्ति के भीतर संहारक है। हिंदू त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल है। महेश अर्थात शिव, उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार और असीम माना जाता है। उत्कृष्ट और अपरिवर्तनीय निरपेक्ष ब्रह्म और ब्रह्मांड के मूल आत्मा शिव को योग, ध्यान और कला का संरक्षक देवता भी माना जाता है। इसलिए भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी स्वयं देवी आदिशक्ति पार्वती है और इनके वाहन नंदी है। इनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जहाँ ये अपने भूत प्रेत गणों, नंदी और अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और वैष्णववाद परंपरा में सर्वोच्च है। भगवान विष्णु को इस संसार का संचालक और पालन करता कहा गया है। आदि काल से ही भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंत्रता के रूप में मान्य रहे हैं। विष्णु जी का वर्णन भागवतम पुराण में किया गया है और सभी पुराणों में भागवतम पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके कारण विष्णु जी का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक हो जाता है। भगवान विष्णु विभिन्न युगों में दुष्टों के विनाश हेतु अवतार लेते हैं, जैसे त्रेता युग में उन्होंने श्री राम का अवतार लिया और रावण जैसे दुष्टों का विनाश किया। साथ ही उन्होंने एक अच्छे राजा, पति, भाई और पुत्र की पराकाष्ठा स्थापित की, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया। श्री कृष्ण को भगवान नारायण का संपूर्ण अवतार माना जाता है, उन्हें ही पर ब्रह्म माना जाता है। श्री कृष्ण को सबसे चंचल, माखन चोर, एक महान प्रेमी, अच्छा नायक आदि के नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने कंस, वृकासुर, बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध मात्र 16 साल की उम्र में ही कर दिया था। फिर धर्म की स्थापना हेतु इन्होंने महाभारत में एक अच्छे नायक की भूमिका निभाई और धर्म को विजय दिलाई। इन्होंने ही संपूर्ण जगत को ग्रंथों के ग्रंथ महाग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। मानवता को दुष्ट प्राणियों से बचाने के लिए प्रभु नारायण ने श्री राम और श्री कृष्ण के अलावा भी और कई अवतार लिए, जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार आदि। इनकी असीमित और अनंत शक्तियों के कारण ही इन्हें अनंत भी कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता देव है। उनके 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं में देख रहे होते हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है, वाणी के स्वामी, और ये चारों वेदों के निर्माता भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह 3 नाम को रूपक प्रतिनिधित्व के आधार से दर्शाया गया है, ताकि लोगों को ये तीनों गुणों को जानने में मदद मिल सके। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों एक ही हैं, जिन्हें हम पर ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें सृजन यानी अवस्था का निर्माण होता है। विष्णु अर्थात ऐसी अवस्था जो कायमी रूप से स्थायी या स्थिर है और जो संसार को चलाता है, और जहाँ विनाश होता है वहाँ महेश का स्थान है अर्थात शिव। भगवान गणेश जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक है। इन्हें परम पूज्य भी कहा जाता है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनकी छवि पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल में भी पाई जाती है। गणेश व्यापक रूप से बाधाओं के निवारण के रूप में प्रतिष्ठित है। इन्हें कला और विज्ञान के संरक्षक और ज्ञान के देवता माना जाता है। इनकी भार्या रिद्धि और सिद्धि है और इन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। भगवान हनुमान, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान हनुमान को शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। वह अंजना और केसरी के पुत्र हैं। उन्हें पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है।
राम भक्त हनुमान जो महाबली और अपूर्व साहसी हैं, जिन्होंने एक छलांग में ही पूरे समुद्र को लांग दिया। संकट मोचन के नाम से जाने जाने वाले प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म में एक चिरंजीवी हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए। उन्हें अमृतत्व का वरदान माता सीता जी से मिला। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, तब उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर उन्हें चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दिया। भगवान इंद्र, वेदों में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है। वह बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता है। वह स्वर्ग के शासक भी है। इनका मुख्य हथियार वज्र है और इनका वाहन ऐरावत है। इंद्र सूखे का नाश करते हैं और मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा लाते हैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव को वेदों में समस्त चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छंदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है और महान छठ पर्व में भी सूर्य देव की ही उपासना की जाती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परख ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। वायुदेव, सभी देवताओं में वायुदेव का विशेष स्थान है। वायुदेव को हवा का देवता कहा जाता है। संसार में यदि मनुष्य जीवित है, सांस ले रहा है, तो वह केवल वायुदेव की वजह से। हवा के कारण ही मनुष्य का जीवन संभव है, इसलिए वायुदेव की महत्ता और बढ़ जाती है। वायुदेव को विनाश का देवता भी माना जा सकता है। यदि वायुदेव चाहे तो एक पल में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि बिना वायु के जीवन संभव ही नहीं। हवा बंद कर देने से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। वायु देव का वेदों में कई बार वर्णन आता है। इन्हें भीम का पिता और हनुमान का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। इन्हें पवन देव के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि देवता, आग के देवता अग्नि का हिंदू धर्म में और ग्रंथों में विशेष स्थान है। अग्नि देव को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्यों का सारा काम अग्नि पर ही निर्भर करता है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना हो, तो अग्नि अत्यंत आवश्यक होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। अग्निदेव के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हिंदू मान्यता में बिना अग्नि की चिता में जले हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और शुभ कार्य में अग्निदेव के रूप में ही हवन किया जाता है। वरुण देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी वरुण देव को ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी आदिति के 11वें पुत्र के रूप में सम्मानित करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार वरुण देव की पत्नी का नाम चर्षनी है। वरुण देव का वाहन मगरमच्छ है और वे जल्लोक के अधिपति है। प्राचीन वैदिक धर्म में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर वेदों में उनका रूप इतना अमूर्त है कि उनका प्राकृतिक चित्रण मुश्किल है। अग्नि व इंद्र की अपेक्षा वरुण को संबोधित सूक्तों की मात्रा बहुत कम है, फिर भी उनका महत्व कम नहीं हो जाता। इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो वरुण को नैतिक शक्ति का महान पोषक माना गया है। वरुण देव के बिना जल नहीं और जल के बिना जीवन संभव नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।